और ये इसका कंप्लीट लुक है। और इसके साथ मैंने पैर अप किए हैं ये इयररिंग्स और ये चोकर सेट। ये इयररिंग्स इसके साथ कलर में बहुत प्रिटी लगेंगे। सो ये इयररिंग्स इसके साथ और ये वाला चोकर सेट भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही इसके साथ पहना जाए, पर ये मैंने पहला जो गिफ्ट है वो मैंने पहला ये सेट बनाया है। फाइनल व्यू इन आउटफिट्स पे, इन सेट्स पे, और हम बाकी की जो डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये तीनों जो सेट्स मैंने रेडी किए हैं वो कैसे लगे, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि गिव अवे वाले दिन क्या होगा। सो एनीवेज अभी एक्साइटमेंट और ज़्यादा भी है क्योंकि हम कल ट्रिप पे जा रहे हैं। डे फॉर माई स्किन पैम्परिंग, शाहीन यहाँ पे रेडी है। आज शाहीन जो है मेरा ट्रीटमेंट करेगी एंड हमेशा की तरह हम लोग वही करेंगे, अपना क्लीन अप, क्रिस्टल फेशियल, एंड उसके बाद मेरे LHR की सिटिंग जो है वो ड्यू है तो वो भी हम करेंगे। एक्चुअली मेरा LHR बहुत ज्यादा खिंच गया बिकॉज मैं बीच में बहुत समय नहीं आई, 9 मंथ्स तो मैंने बिल्कुल भी लेजर नहीं करवाया और पहले मैंने पता नहीं किस जमाने से शुरू किया हुआ है, तो इसीलिए मेरी सिटिंग्स अब तक चल रही है। अगर आप रेगुलर रहे अपने सेशन से तो बहुत जल्द जो है आप फ्री हो जाते हैं इन सेशन से। मैं रेगुलर नहीं हूँ। सो एनीवेज चलिए अभी आज की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हो गया है एक क्विक क्लीन अप और एक्सट्रैक्शन हो गए हैं जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं और आज ना मुझे इस एरिया में, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, दीपिका इब्राहिम गई है क्यूटिस और उन्होंने वहाँ पे इतने दिनों बाद मेकअप करवाया और उनका फेशियल वगैरह हुआ और उन्होंने स्किन ट्रीटमेंट भी करवाया, क्योंकि रूहान के होने के बाद दीपिका इब्राहिम ज़्यादा क्यूटिस नहीं जा पाती हैं, वो रूहान में ही उनका वक्त चला जाता है। उसे खिलाने पिलाने, उसका ध्यान रखने और देखभाल करने में दीपिका इब्राहिम बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं और दीपिका इब्राहिम इस वजह से अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख पा रही थी और उनको उनके लुक को भी ट्रोल किया जा रहा था कि दीपिका इब्राहिम ड्रेस अप रह के क्यों नहीं रहती हैं, वो अपने ऊपर भी ध्यान दें और अपना मेकओवर वगैरह करवाएं। ट्रोलर्स आए दिन उन्हें कमेंट्स गंदे गंदे कमेंट्स करते रहते थे कि दीपिका इब्राहिम नौकरानी बन चुकी है, भाइयों की तरह अपने बच्चे को संभालती रहती है, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, यहाँ तक कि वो अपने बालों में कॉम तक नहीं करती। लोगों ने इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स करके उनको बहुत बुरा बुरा बोला था, पर दीपिका इब्राहिम ऐसी नहीं है, वो थोड़ा सा बिजी थी। अपने बच्चे का ख्याल रखना में कौन सी गलत बात है फ्रेंड, जब एक माँ पहली बार माँ बनती है लड़की तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप होती जाती है। कुछ ऐसा ही दीपिका इब्राहिम के साथ हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा सुलझी और पढ़ी लिखी लड़की हैं, तो उन्होंने मेकअप करवा लिया। और आपका क्या मानना है, आपने कमेंट्स जरूर बता, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।